स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट। गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। अभी विगत कुछ दिनों में पुलिस और पीडीए के सहयोग से काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध ज़मीनों पे, जिसमें कि हम नुजूल की भी ज़मीन थी, कुछ पीडीए की ज़मीन थी, कुछ स्टेट लैंड भी था जिस पे कब्जा कर रखा था कुछ भूमाफियाओं ने, उनको हटाया गया और उनको अवमुक्त कराया गया और जब्तीकरण कार्रवाई भी की गई। उसी प्रक्रिया में पीडीए ने 4 अभियोग भी पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने वर्णित किया है कि ज़मीनें काश्तकारों से जो ली गई हैं वो उनको बिल्कुल उनके हितों का अनदेखा करते हुए सेल भी की जा रही हैं और उनको कहीं की ज़मीन कहीं बेची जा रही है। इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी भी हो रही है और जो प्लाटिंग है वहाँ सामान्य जो अवस्थान की सुविधाएं होनी चाहिए वो भी डेवलप नहीं है और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो खरीद रहे हैं लोग, किसानों के साथ भी धोखाधड़ी हुई है, ज़मीनों के दूसरे स्थानों पर विक्रय कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से उन 4 तहरीरें दिए, 4 पंजीकृत करके थाना थूमनगंज में विवेचना की जा रही है और इसमें जो लोग भी शामिल पाए जाएंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त गैंग के लोग भी इसमें क्या सम्मिलित हैं? हाँ, इसमें गैंग से संबंधित लोग भी हैं, जो 227A गैंग पंजीकृत है उसके मेंबर भी उसमें शामिल हैं।